लिटरली मेरे हाथ कट रहे हैं अंदर से, टेम्परेचर अराउंड -6 -7 है, मेरे हाथ पूरे कटे जा रहे हैं अंदर से ग्लव्स पहनने के बाद भी। बहुत ज्यादा लग रहा है, विंडशील्ड के नीचे आ जाते हैं थोड़ा, एक कस्टम विंडशील्ड होती ऊपर तक तो और मजा आती। कैमरा सिर्फ आई थिंक 10% जस्टिस कर रहा होगा यहाँ की खूबसूरती का। मैं लिटरली अपनी फिंगर्स को फील नहीं कर सकता, मुझे क्लच दबाने में इतनी ताकत लग रही है। हाँ तो हम लोगों ने, मैं रेंट के बारे में बताना भूल गया, बाइक अराउंड क्या एग्जैक्टली 1500 मिली है। यह ऑफ सीजन है, यहाँ रास्ते बंद रहते हैं इस टाइम, थोड़ी सी गलती हो गई हम लोग से आने में, पर कोई नहीं, मज़े पूरे कर रहे हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, ये सब सोच के आए थे हम लोग, कहीं जाने को मिले ना मिले पर मज़े पूरे करने हैं हम लोग को। बिकॉज जो लेह लद्दाख है वहाँ पर लोकेशंस की कमी नहीं है आपके पास, पर एक थोड़ा सा दुख है कि पैंगोंग नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम पैंगोंग जाना ज़रूर है, पैंगोंग के बिना हम लोग नहीं जाएंगे वापस। हम लोगों ने 3 बार अटेम्प्ट किया, एक्चुअली 2 बार अटेम्प्ट किया तो नहीं हो पाया, कार वालों से भी नहीं हो पाया। धूप मिली, धूप, कसम से बहुत अच्छा लगा धूप देख के। जान में जान आ रही है वापस, ऐसा लग रहा है जिंदा हो रहे हैं दोबारा से। उंगलियां गायब हो गई ना, उतरो जरा ऋषि, उतरो। तो ये हालत हो रखी है लोगों की, मतलब ये हाथ लग रहा था है ही नहीं। देखो मेरे हाथ कब से अंदर पड़े हुए हैं, हाथ से किया भैया, इधर दिखाई दे मेरा नहीं था यार। अरे मैंने ग्लास नहीं पहना, मैं गुरु जी ग्लास गुरुत्ता को सही किया। यहाँ पे हम लोग बाइकर्स के लिए जरूरी है, ड्यूक 390 और हार्ले को मिस कर रहे हैं। हार्ले होती तो इंजन ऐसा गर्म होता, अरे भाई कि सब मिल के आराम से तापते भाई साहब। आपने हार्ले पे बस हार्ले स्टार्ट रखते गर्म रहते हैं, टोटल हार्ले चलती रहती, हीट मिलती रहती। ऑयल कूलर, ये ऑयल कूलर है जैसे जो आरएस में लगा है, नहीं वो रेडिएटर, ये ऑयल कूलर है। ये इंजन के इंजन ऑयल को ले जाता है यहाँ से, ऑयल को ठंडा करता है फिर वापस इंजन भेज देता है। उसमें वो नहीं होता है, उसमें इंजन के राउंड राउंड पाइप्स गया होते हैं, ठीक है, उसमें कूलेंट बहता है। चलो, ओहो अकेले चलाने का अलग ही मजा है, अकेले चलाने का मजा अलग है और डबलिंग को चलाने का मजा अलग है। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है हिमालयन चलाने का ऐसी रोडों पे, और मैं सिंगल हूँ, मैंने अपना को राइडर को आगे शिफ्ट कर दिया है। ओके तो सिंगल पे मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फ्लो, मतलब बहुत ही फ्लो के साथ जा रही है। 390 जितनी शार्प और एजाइल नहीं है पर बहुत मज़ा आ रही चलाने में। 390 मैंने उधर चलाई थी टुंगनाथ वाले, जब मैंने ब्लॉक किया था टुंगनाथ का, अपनी 390 से गया था मैं उस टाइम, वो तो बहुत ही एजाइल होती है स्पेशली माउंटेन्स के लिए। नाइस, स्नोफॉल शुरू हो गई है फिर से, नीचे भी जितनी जल्दी हो सकता है जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 140 होगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बाइक को ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है स्पीड पकड़ने में, बढ़िया चल रही है। नाइस, जो बाइकर स्पिरिट होती है ना ये बहुत डिफरेंट होती है, मतलब जितने बाइकर्स होते हैं सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, और जो पैशन है बाइक का ये बहुत ही अच्छा पैशन है, आप इससे पूरी लाइफ जुड़े रहो, हमेशा एक्टिव रहोगे आप। और जो ट्रैवलिंग होती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाइक से ट्रैवलिंग करना बहुत ही अलग है कार के कंपैरिजन में, अलग ही फील होता है, आप रोड को फील करते हो, एटमॉस्फेयर को फील करते हो, आप ऑफ रोडिंग करने का टाइम आ गया है, लेट्स गो ऑफ रोड, ऑफ रोड ही जाएंगे, हिमालय ने तो कुछ तो एडवेंचर होना ही चाहिए, लेट्स गो ऑफ रोड। सैडलिंग करना बहुत ईजी है इस बाइक पे,
बहुत मजा आती है सैडलिंग करने में। वो सारा मतलब अगर आपके पास हिमालयन है तो आपके पास एडवेंचर है। कंट्रोल, आराम से स्किड हो रही बाइक। लेट्स टेक कॉर्नर। नाइस, वेरी नाइस, गोइंग गुड। ओके, सो ऑन सिंगल, मतलब ऑन सिंगल राइडिंग विदाउट पिलियन, द टॉर्क ऑन ऑफर इज रियली गुड। दिस सिंबल इज रियली इंपॉर्टेंट, आप जरूर हॉर्न दो। यस, लेट्स टेक इट अनदर टर्न। बहुत ही मजा आ रही है एक्चुअली इस टाइम तो, बहुत ज्यादा मजा आ रही है हिमालय चलाने में, बहुत ज्यादा। हे, यू वांट अ रेस? You want a race? Woo-hoo! Yeah! So people here are enjoying a lot. They are really happy. Means जो last के दो दिन इतने hectic थे, इतने खराब गए, इस टाइम सब मजे कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द नाइसेस्ट पोर्शन आई हैव सीन टिल नाउ। ये जाते वक्त भी देखा था। ओके, सो वन थिंग विच आई वुड से दैट दो दिन इतने हैक्टिक थे, बहुत ख़राब थे। दो दिन रोज ट्राई किया पैंगोंग जाने का, नहीं पहुंच पाए। आज थर्ड या फोर्थ डे है आज बाइक रेंट की इतने दिन बाद, और सच में एक बहुत बड़ी स्माइल है हमारे फेस पे सिर्फ इन बाइक्स की वजह से। तो जो बाइक्स होती हैं वो मेरे बहुत क्लोज हैं इस वजह से। बाइक आपकी मूड, आपकी लाइफ सब कुछ चेंज कर देती है, आपका ज़िंदगी को देखने का तरीका बदलती है बाइक, जो मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोग को। इसलिए एक बाइकर और उसकी बाइक की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मुझे कुछ ऑरेंज दिखा, केटीएम ऑरेंज टाइप का, देखते हैं क्या है। केटीएम का फ्रेम भी दिख रहा है। ओके, सो ड्यूक 200 है। चले फिर नीचे मिलते हैं, बाय बाय। और नई जगह जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को ये सब देख के। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम है मेरा लेह लद्दाख का। चलिए फिर, बाय बाय। इस कॉर्नर के बाद एंड करता हूँ, सेफ्टी ज़रूरी है। Okay, so नीचे पहुँच चुके हैं हम लोग, रेस्टोरेंट के बाहर बैठे सब लोग धूप खा रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है। अंदर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की, तो सब बाहर ही है थोड़ी देर के लिए, इतना थक गए हैं, मतलब ठंड से। क्या नाम है होटल का? देसी होटल है ये। चीट चाट फूड कॉर्नर। छोला भटूरा समोसे सब ऑर्डर मार लिए हैं। ऋषि भैया ने तो 6-7 चीज अपने ऑर्डर मारी है। पाव भाजी भी मांगी है, समोसा, समोसा कॉफी। सही है, समोसा अब खाने का मन नहीं कर रहा है। इंडस रिवर जा रहे हैं, इंडस रिवर। इंडस रिवर वाला रास्ता है किधर से यार, लेकिन खाना अच्छा था यहाँ का, है ना? छोले भटूरे इसलिए बेकार थे क्योंकि पेट भर गया था भैया। पैंगोंग झील जाने के रास्ते में जो इंडस वाली रिवर पड़ती है, इधर ही पड़ती है पैंगोंग जाने का रास्ता, यही है। चलिए ठीक है, जानना था, थैंक यू।
कलर ही अलग है। एटीवी चलाते हैं। ओके सो हम लोग यहाँ एटीवी चलाने आए हैं, पीछे खड़ी है एटीवीज, देखते हैं मजा आने वाली है काफी। जल्दी तो स्टार्ट भी है खैर, और एक्चुअली ये एटीवी नहीं कार टाइप की है, काफी पावरफुल लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है। 800 सीसी आई थिंक।